वेटलैंड डे के मौके पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा उत्तर प्रदेश और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा WWF इंडिया द्वारा हैदरपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां पर सहारनपुर कमिश्नर संजय कुमार खास तौर से मौजूद रहे। तो वहीं सेक्रेटरी भारत सरकार जल शक्ति यूपी सिंह भी खास तौर से पहुंचे। आइए दिखाते हैं आप। आपको लेकर चलता हूं आज हैदरपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है गंगा बैराज पर। बिजनौर और मुजफ्फरनगर तथा मेरठ की तीन जनपद है सहारनपुर के कमिश्नर संजय कुमार भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको, विभिन्न जिलों से आए उनका भी मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबके आने से हैदरपुर वेटलैंड को आप के माध्यम से देखने के पश्चात जब दो दिन के बाद आप लौटेंगे तो उसका प्रचार प्रसार होगा, उसकी खूबियों के बारे में आप जो आपकी जो कम्युनिटी है, जो बर्डर्स कम्युनिटी, जो नेचर लवर्स कम्युनिटी, उनके बीच में इसका प्रचार तरह के हर सीज़न में, हर तीन महीने में इसका स्वरूप बदलता है। गर्मियों में कुछ, उसके बाद बरसात में कुछ, उसके बाद जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट होता है कुछ, फिर अभी फरवरी मार्च से जब पानी का लेवल कम होना शुरू होता है तब कुछ और रंग ढंग, और यहाँ के जो प्रजातियाँ सब हर तीन महीने में बदलती हैं। और मुझे खुशी है कि इसके डॉक्यूमेंटेशन में वन विभाग ने बहुत अच्छा काम किया, WWF की पूरी टीम ने हमें इसमें मदद की। यहाँ पर ये हमारा एक इको लर्निंग सेंटर के स्वरूप में उभर के आए दो जिलों का, पूरे सहारनपुर मंडल का, उसमें और हम सबको क्यों, हम सबकी जिम्मेदारी है कि मिल करके हम इसका संरक्षण करें, इसके संवर्धन से जुड़े। क्वालिटी ऑफ पानी भी है कि हम गंगा और उसकी सहायक चबूटीज, ऐसे वेटलैंड्स और उससे जुड़ी हुई जो ऐसे जो हमारे नेचुरल बाउंड्रीज हैं उनको हम किस तरह से उनका उपयोग करें बिना उनको नुकसान पहुँचाए, जिससे कि उस क्षेत्र के गांव, उस राज्य और उस तमाम क्षेत्र में जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी हो, जो रहने की यहाँ पे बड़ी रजवाए और नहर है पूरे उत्तर प्रदेश में, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और चबूटरीज हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है। पानी नहीं भी रहता है तो ऑफ सीजन में बहुत कई ऐसे स्ट्रेचेज हैं हमारा जो पूरे साल पहली दिन न भी हो परंतु जिनमें पोटेंशियल है कि इसको इको टूरिज्म के स्वरूप में उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। मैं अपने मंडल की ओर से आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि हम ऐसी चीज़ों के विकास के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनको सुदृढ़ करने के लिए हम पूरी तरह तत्पर रहेंगे सर। नहीं भी रहता है तो ऑफ सीजन में बहुत कई ऐसे स्ट्रेचेज हैं हमारा जो पूरे साल पहली दिन परंतु जिनमें पोटेंशियल है कि इसको इको टूरिज्म के स्वरूप में उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। मैं अपने मंडल की ओर से आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि हम ऐसी चीज़ों के विकास के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनको सुदृढ़ करने के लिए हम पूरी तरह तत्पर रहेंगे। नजारे हैं, देख सकते हैं कि चार ओर गंगा का शुद्ध यहाँ पर बहाव देखा जा सकता है। भारत सरकार के जल संसाधन सेक्रेटरी यूपी सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। भूमि है जहाँ पे शकुंतला आश्रम में रहती थी दुष्यंत और शकुंतला का पहली बार मिलन बिजनौर की भूमि पे इसी जिले में हुआ था। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ से मैंने घर मुक्तेश्वर तक की राफ्टिंग के जरिए यात्रा की थी और बीच में मैं विदुर कुटी में रुका था। विदुर के बारे में आप सब लोग जानते हैं, महाभारत की लड़ाई में ऐसा कहा जाता है कि विदुर जो बच्चे थे, जो महिलाएं थी, उनको लेके ये गंगा की दूसरी तरफ आए थे कि हम नदियों में पानी कैसे लाएं। तो मैं सोचता था इसका गंगा के संरक्षण से क्या संबंध है। जब बात होती थी ये दो शब्द जो आज आपने बार बार सुने, एक तो वेटलैंड और दूसरा बायोडायवर्सिटी, सच्ची बताएं यहाँ जो बच्चे बैठे हैं
मुझे तो चंद साल पहले तक ये केवल शब्द पता थे कि यहाँ एक वेटलैंड होता है, लेकिन वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड के क्या फायदे होते हैं, ये जो बायोडाइवर्सिटी की बात है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी का क्या महत्व है, ये हमने बहुत बाद में देखा। जब हम यहाँ गंगा की बात करते हैं तो हम सारी नदियों की बात करते हैं, लेकिन जो ज्यादा जरूरी चीज है वो है कि गंगा में हम या बाकी नदियों में हम पानी कैसे लाएं, या जो वेटलैंड की बात है, कई चीजें हम बात समझ नहीं पाते हैं। जैसे नदियों में जो पानी का प्रवाह होता है, बहुत लोग और यहां पर पहुंचने पर कमिश्नर संजय कुमार और वीके जैन कंजर्वेटर के अलावा यूपी सिंह सेक्रेटरी जल शक्ति भारत सरकार का भव्य स्वागत किया गया। सभी अधिकारियों ने उनका जमकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में पहुंचे खास तौर से अतिथियों का भव्य स्वागत और एक पौधा देने के बाद जिला मुजफ्फरनगर के DFO सूरज सिंह द्वारा भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने इस मौके पर कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी प्रकाश डाला तथा अतिथियों का स्वागत करते हुए हैदरपुर वेटलैंड के बारे में विस्तृत जानकारी भी दे सकते हैं। दूर दराज से आए छात्रों अतिथियों को कार्यक्रम में विस्तृत जानकारी देने के उपरांत यहाँ पर बर्ड वॉचिंग का प्रोग्राम हुआ और वहां पर दूरबीन के जरिए दिखाया गया प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। इसी दौरान भारत सरकार के यूपी सिंह जो सेक्रेटरी है उन्होंने क्या कहा कि आज तो मैं यहाँ आया था, जो आज जैसे कि आपको पता ही है आज विश्व वेटलैंड डे और वेटलैंड डे का एक बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे नदियों को बचाने के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए, तो उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ एक फंक्शन का आयोजन किया गया है। मैंने उसमें भाग लिया और साथ साथ में उसी कार्यक्रम का एक अंश ये भी था कि आज हमने यहाँ टर्टल्स रिलीज किए हैं, जो जैसा कि आप जानते ही हैं वो एक नेचुरल स्कैवेंजर कह सकते हैं, वो पानी की सफाई करते हैं। तो कैसे बायोडाइवर्सिटी हमारी बढ़े हमारी नदियों में, क्योंकि गंगा में अभी भी बहुत कम लोगों को पता है, बट गंगा जो है वो बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी में है और हम भी जो नमामि गंगे कार्यक्रम आज के दिन में चला रहे हैं उसका भी एक बहुत बड़ा जो कंपोनेंट है वो हम विशेषकर जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, चाहे वो गंगा में। कमिश्नर संजय सिंह से बार और बेंच ने वार्ता की, कार्यक्रम में जुड़े और यहाँ की जैव विविधता जो है उसको बचाने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना पड़ेगा और हम उसी के तहत हम जो है कई जो है वॉलंटियर्स तैयार कर रहे हैं गांव के आसपास जो कि इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम चाहते हैं इसको पूरी इको टूरिज्म मैप दिखाया जाए जिससे कि यहाँ फुटफॉल होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पे रिक्शे और ई रिक्शा और साइकिल्स की व्यवस्था की जाए चलने के लिए, उससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा, कुछ लोगों को गाइड और नेचुरलिस्ट के रूप में ट्रेन करेंगे उससे भी रोजगार मिलेगा, यहाँ की पूरी इकोनॉमी को जोड़ने का जो है वो प्रयास है। कमिश्नर संजय कुमार जी जिन्होंने साफ कर दिया कि इको डेवलपमेंट की तरफ से भी यहाँ इसको देखा जाएगा, मैप पर लाया जाएगा और आने वाले वक्त में एक अच्छा माहौल और एक अच्छा वातावरण देखने को मिलेगा हैदरपुर वेटलैंड पर। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ मेरे चीफ एडिटर बार और बेंच न्यूज इन टुडे लखनऊ। मौके पर गंगा के अंदर 6 माह के कछुओं को भी प्रभावित किया गया जो कि एक जल प्रदूषण जल संवर्धन का एक अच्छा कार्य करते हैं। आप देख सकते हो जहां पर कमिश्नर यूपी और यूपी सिंह सेक्रेटरी भारत सरकार, इसके अलावा CDO DM DSP SDM DFO सभी यहां पर मौजूद है जो कि हैदरगढ़ जो वेटलैंड डे पर मनाया जा रहा है, खासतौर से गंगा बैराज और हैदरपुर का ये वेटलैंड है और वेटलैंड पर आज खासतौर से यहाँ पर कमिश्नर उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के जो कमिश्नर है संजय कुमार और इसके अलावा जो सेक्रेटरी जल मंत्रालय है उन यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा पूरा सरकारी अमला 3 जिलों के यहाँ पर अधिकारी मौजूद है, मेरठ मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के अलावा यहाँ पर बिजनौर पूरा ये एरिया है। आप देख सकते हैं वो दलदल है, इसके लिए यही वो महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर आज टॉर्टोइस और कछुए छोड़े गए हैं क्योंकि कछुओं को माना जाता है कि ये एक जल संसाधन के लिए प्रदूषण रहित के लिए प्रदूषण को दूर करने के लिए वातावरण संतुलन बनाने के लिए बहुत जरूरी माना जाता है और 6 महीने के कछुओं को खास तौर से प्रभावित कर दिया गया है इस वेटलैंड हैदरपुर के अंदर।
को मैं यहाँ यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड वेटलैंड डे खासतौर से 1971 में प्रथम बार ईरान के अंदर रामासर कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद से मनाया जाता है। 1995 में खासतौर से इंडिया में हुआ और यहाँ पर हर बार 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, यानी कि आंध्र भूमि ये दिवस कहलाता है। यहाँ पर जो कि नमी वाली भूमि होती है उसको सिलेक्शन किया जाता है। और आपको ये बता दें कि जो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक प्रवासी पक्षियाँ विदेशों से यहाँ पर आते हैं और यहाँ के बाद वो प्रवास कर जाते हैं। आज इसकी जानकारी दी गई है, 3000 एकड़ भूमि को कवर करता है ये हैदरगढ़ जो वेटलैंड है, और इसमें बताया जा है कि 235 प्रजातियां यहां पर पक्षियों की मौजूद हैं, जिसमें 96 माइग्रेटरी हैं और 139 रेजिडेंटल प्रजातियां हैं। यहां पर बहुत अच्छा सजाया गया है, बताया गया है, बनाया गया है, आने वाले वक्त में ये एक डेवलपमेंट का रूप होगा और यहां पर आसपास के सभी जनपद के अधिकारी खास तौर से मौजूद रहे। बने रहिएगा मेरे साथ, आरिफ शीशमली, चीफ एडिटर, बार और बेंच, एंड यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।